नमस्कार, साधना न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। शहडोल में कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस ने जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस ने कहा कि पेट्रोल डीजल समेत रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, आम आदमी महंगाई के बोझ तले दबता जा रहा है, जबकि केंद्र और राज्य सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी हुई है। इस भारतीय जनता पार्टी के दोहरे चरित्र को उजागर करने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसने कभी महंगाई को डायन बताते हुए मतदाताओं को प्रलोभित किया था कि हम अच्छी सरकार देंगे, हम अच्छे दिन लाएंगे, हम सस्ता पेट्रोल डीजल देंगे। अब उसको गिरेबान में झांकने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि आज तुम्हारे राज में 104 और 109 रुपए लीटर पेट्रोल क्यों मिल रहा है। आज जो है केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लगातार जो बेतहाशा पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों की वृद्धि है, वो AICC के निर्देश पर और हमारे सोनिया गांधी जी के निर्देश पर, प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी के निर्देश पर पूरे जिले में ये धरना दिया जा रहा है। आज हम पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों की वृद्धि में पेट्रोल पंप पर धरना दे रहे हैं। साथ ही अभी थोड़ी देर में हम लोग पुष्प वगैरह अर्पित करेंगे उपभोक्ताओं को, ताकि वो इतने बेतहाशा मूल्यों की वृद्धि के बाद भी बड़े सहिष्णु ढंग से उसे सह रहे हैं। देश में बढ़ते महंगाई, डीजल और पेट्रोल, रसोई गैस का दाम आजकल इतना बढ़ गया है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। आज लोगों के जेब में जाते हैं पेट्रोल टंकी तो पेट्रोल का रेट देख के लोगों का हालत खराब हो रहा है। इसलिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा सबसे ज्यादा जो वैट टैक्स लगाया गया है मध्य प्रदेश में, उस वैट टैक्स को कम करें और डीजल पेट्रोल रसोई गैस का दाम कम करें, ताकि आम लोगों का जीना मुहाल हो सके।